खबर गाजीपुर से है, जहां बंद मकानों ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोहों का पुलिस ने पर्दाफाश किया। तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, बाइक, अवैध हथियार और 1,11,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़े गए बदमाश चोरी की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को धर दबोचा। उन्होंने बताया, आरोपी शहर में बंद मकानों ट्रेनों में चोरी करते थे। कोतवाली क्षेत्र में बहुत दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी, इसका हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि ये खुले। तो ये जो गैंग पकड़ा गया है, इसमें दो शातिर चोर हैं और एक जो इनका सामान चोरी कर खरीदता है। इसमें एक छोटू बिंद है, एक सागर बिंद है, इसमें सरौलिया के रहने वाले हैं और यही का ही शहर का ही रहने वाला जो व्यापारी है। और इसमें जो छोटू बिंद है उस पर 23 मुकदमे हैं, सागर बिंद पर 28 मुकदमे हैं और ये जो व्यापारी जो खरीदते थे इसमें 14 मुकदमे हैं। इन सबसे करीब 87 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 200 ग्राम करीब चांदी बरामद हुई है, जिसको इन्होंने गला दिया था, सारे आभूषण गला दिए थे ये, और 1,11,000 से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ है। के कोतवाली क्षेत्र में बहुत दिनों से बहुत